हूँ लोकेश और आज के वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार क्वालिटी का ऐसा टिफिन जिसके अंदर बहुत लंबे टाइम तक आप अपना खाना गर्म रख सकते हैं। वैसे मेरे पास में लंच बॉक्सेस की जो रेंज है वो काफी लंबी है, मैं अगर लंच बॉक्सेस की रेंज दिखाने बैठ जाऊँ तो भैया सुबह से शाम हो जाएगी, परंतु मैं उन्हीं लंच बॉक्सेस को आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ जो मेरे को खुद को पर्सनली काफी पसंद आते हैं, ठीक है। और अगर आप पैसा खर्च करें भी सही तो उसके अंदर आप अपना पूरा का पूरा पैसा वसूल कर सके, ठीक है। तो इसी टाइप का एक बहुत ही शानदार लंच बॉक्स है हमारे पास में विनोद कंपनी की तरफ से। ये लंच बॉक्स विनोद का जो क्राफ्ट की रेंज आती है उसी के अंदर आपको ये लंच बॉक्स मिलता है। पूरा का पूरा कंप्लीट वैक्यूम इंसुलेटेड लंच बॉक्स है, स्टील की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, ठीक है। और थोड़ा सा वेट के अंदर भी ये लंच बॉक्स, बिकॉज क्वालिटी के साथ में वेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और जो रेट है वो भी आपको किस तरीके की मिलेगी, यहाँ पर ये जो लंच बॉक्स है 3 और 4 दो कंटेनर के अंदर आपको मिल जाता है एट ए टाइम। मेरे पास में 3 कंटेनर में ये लंच बॉक्स रखा हुआ है। जल्दी से शुरुआत करते हैं इसके अनबॉक्सिंग के साथ में। जो मॉडल नेम है वो है विनोद का क्राफ्ट वाली जो सीरीज आती है उस लंच बॉक्स में है। फिर देन यहाँ पर कंपनी ने जो मॉडल नेम मेंशन किया वो है प्रीमा थर्मो टिफिन 3 टीयर, ठीक है। अब जो 3 कंटेनर का, इसलिए यहाँ पर जो है 3 टीयर का लंच बॉक्स है। जैसे इसके बॉक्स को हम ओपन करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का एक लंच बॉक्स आपके सामने आ जाता है, ठीक है। पॉलीथीन को हमने रिमूव किया और ये जादू का पिटारा आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप कुछ इस टाइप की लुकिंग मिलती है, बहुत ही शानदार, एक बहुत ही अल्टीमेट, एक स्टैंडर्ड लुक, एक हैवी रिच लुक देने वाला लंच बॉक्स यहाँ पर आपको मिलता है। कुछ इस टाइप का प्लास्टिक का, बहुत ही शानदार क्वालिटी का फाइन प्लास्टिक यहाँ पर आपको मिलता है हैंडल के अंदर। साथ ही साथ कुछ इस टाइप की आपको जो है ढक्कन मिल जाता है, लिड मिल जाती है ऊपर वाली, ठीक है। अब इसको हम ओपन करते हैं। जैसे ही हमने ओपन किया लिड आपको कुछ इस टाइप की मिलती है, देन यहाँ पर आपको ये सिलिकॉन मिल जाता है। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ पूरा का पूरा कंप्लीट सिलिकॉन मिलता है। इसकी वजह से क्या होता है, एक तरीके से आपका टिफिन जो है वो पूरा का पूरा 100% एयर टाइट हो जाता है। साथ ही साथ सिलिकॉन होने की वजह से ये एक तरीके से फूड ग्रेड भी हुआ। वैसे यहाँ तक जो है सिलिकॉन तक आपका खाना जो है टच नहीं होने वाला है। अब सिलिकॉन को हम कुछ इस तरीके से रिमूव करते हैं, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से रिमूव करना होगा, ठीक है। ये जो लिड है सिलिकॉन की, बहुत ही शानदार क्वालिटी की, बहुत ही फ्लेक्सिबल लिड यहाँ पर आपको मिल जाती है। देन उसके बाद में हमने इसके कंटेनर को निकाला, ठीक है। तो अब कंटेनर को हम जैसे ही निकालते हैं तो यहाँ पर पॉलीथीन को रिमूव करते हैं। अब आप देख सकते हैं जो कंटेनर की जो क्वालिटी है वो बहुत ही शानदार क्वालिटी की, मिरर फिनिशिंग के जो है स्टील यहाँ पर यूज में लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी क्लिप को हम रिमूव करते हैं, देन ये 3 कंटेनर आपको मिल जाते हैं। इस लंच बॉक्स की जो एक्चुअल कैपेसिटी है वो है 1.6 लीटर, मतलब 1600 ml का ये पूरा का पूरा लंच बॉक्स यहाँ पर आपको मिलता है। अगर आप 4 कंटेनर के ऑप्शन में जाते हैं तो वहाँ पर आपको 1900 ml का जो है लंच बॉक्स मिलने वाला है, ठीक है। कंटेनर का साइज भी 4 कंटेनर में वही रहने वाला है, सिर्फ एक कंटेनर जो है और बढ़ जाएगा, ठीक है। हर कंटेनर के ऊपर आपको स्टील की कुछ इस टाइप की प्लेट मिलती है, थोड़ी सी डीप है, इसे एज ए प्लेट की तरह, एज ए कटोरी की तरह भी आप लंच करते वक्त यूज में ले सकते हैं, ठीक है। 3 कंटेनर आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, बहुत ही फाइन क्वालिटी का स्टील है। जिंदगी के अंदर कभी स्टील के अंदर आपको कोई भी कंप्लेन नहीं आने वाली, इस चीज की मेरी गारंटी, इतनी फाइन क्वालिटी की स्टील यहाँ पर यूज में ली गई है। साथ ही साथ नॉर्मल कई लंच बॉक्सेस में ऐसा होता है कि वहां पर आपको जो इस टाइप की जो क्लिप होती है तीनों कंटेनर को, 4 कंटेनर को संभाल के रखती है, उसमें भी शिकायत आने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस वाली क्लिप के अंदर कुछ इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। अब अगर बात करें तो ये क्लिप जो है इतनी टाइट नहीं है कि मतलब इस, अगर आपका लंच बॉक्स टेढ़ा मेढ़ा होता है तो इसको लीकिंग को रोक ले, है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसी के लिए कंपनी ने यहाँ पर ऑप्शन दिया है सिलिकॉन लिड का। बाई चांस आपका टिफिन अगर टेढ़ा मेढ़ा होता है तो ये वाली जो सिलिकॉन लिड है इसको जो है आपके लंच को, आपके टिफिन को बाहर, जो भी आपकी जो लिक्विड है उसको बाहर निकलने से रोकती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिड लगाइए, ये जो लंच बॉक्स है आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाता है। अब वैक्यूम इंसुलेटेड लंच बॉक्स है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर क्या होता है, ये जो कंटेनर है आपका मेन क्वालिटी ही इसी की है, जो आउटर कंटेनर है इसी की क्वालिटी है। यहाँ पर आपको 2 लेयर्स मिल जाती है, एक अंदर की लेयर, एक बाहर की स्टेनलेस स्टील की लेयर। इन दोनों लेयर्स के बीच में जो है आपको वैक्यूम मिलता है, ठीक है। उसकी वजह से जो खाना है वो काफी लंबे टाइम तक गर्म रहता है, ठीक है। तो ये बहुत ही खास चीज है। अगर आप चाहें तो इस वाले कंटेनर को, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये मतलब ये अगर आप चाहें तो ये 3 कंटेनर्स निकाल लीजिए, ठीक है। और ये वाला जो कंटेनर है इसको भी कोई भी लिक्विड वगैरह कैरी करके ले जाने के लिए यूज में ले सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता दूं, नीचे की तरफ इस लंच बॉक्स में आपको एंटी स्किड ग्रिपिंग देखने को मिलती है। इसकी वजह से
मतलब थोड़ी सी अगर मिस हैंडलिंग हो जाती है तो लंच बॉक्स का इधर उधर गिरने पड़ने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। वैक्यूम इंसुलेटेड जितने भी लंच बॉक्स होते हैं उनको काफी आपको केयर करनी पड़ती है, आपको काफी ध्यान रखना पड़ता है कि उनके साथ में मिस हैंडलिंग ना हो। साथ ही साथ अगर रेट की बात करें तो यहाँ पर 3 और 4 कंटेनर दोनों का ऑप्शन जैसे मैंने आपको बताया अवेलेबल है। तो 3 कंटेनर की जो MRP है कंपनी ने मेंशन कर रखी 2990 रुपीज, 2990 रुपए, और अराउंड 20% लेस करने के बाद में ये लंच बॉक्स आपको जो है 2300 रुपए से लगाकर 2400-2500 रुपए की रेंज के अंदर मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर 4 कंटेनर वाले ऑप्शन की बात करें तो वहां पर आपको अराउंड 3200 के आसपास MRP मिलती है, और वहां पर भी 20% लेस लगा लीजिए, इस रेंज के अंदर आपको जो है लंच बॉक्स मिल जाएगा। इन लंच बॉक्सों को आप परचेज करना चाहते हैं बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पे, तो जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से आप इजीली परचेज कर सकते हैं। दिए गए लिंक से आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता है दोस्तों, और साथ ही साथ इस टाइप की वीडियोस मैं जनरली लेके आता रहता हूँ जिससे आप लोगों की परचेजिंग इजी हो जाए, आप टाइम टू टाइम अपडेट रह सके, आप लोगों को वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिल सके। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ ही साथ इस वाले वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।